अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके जो मसूड़े हैं उनका रंग ठीक नहीं होता, गम्स का जो कलर है वो ठीक नहीं होता। जो हमारा गम टिश्यू है, जो दांतों के ऊपर मसूड़े हैं हमारे, उनका कलर नॉर्मल अगर ना हो तो आपकी स्माइल अच्छी नहीं होती, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहती, और आपके लिए काफ़ी मसाइल आते हैं एस्थेटिक कंसर्न को लेके अगर हम देखें तो। इसलिए इसका अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका क्या जो है वो इलाज मुमकिन है या नहीं है। तो आज मैंने सोचा इस पे बात करें, और इस पे आज कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो इलाज है वो मुमकिन है, इसका इलाज आप करा सकते हैं, बड़ी आसानी से इसका इलाज हो सकता है। अब काफ़ी सारे ऐसे तरीकेकार हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इसका इलाज कर सकते हैं, वो आज हम डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, और क्या ये इलाज लॉन्ग टर्म होगा। ये तो नहीं होगा कि हम कराएं सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट कराएं और उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर से हमारे जो मसूड़े हैं उनका कलर वापस वैसा हो जाए जैसा पहला था। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है, कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो तरीका इलाज है कि जिससे हम मसूड़ों के कलर को जो ठीक कर सकते हैं वो है केमिकल्स की हेल्प से। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम आपके मसूड़ों के कलर को रिवर्स कर सकते हैं टू द नॉर्मल कलर। अब वो केमिकल्स अल्कोहल है, फिनोल है, इनका कॉम्बिनेशन है, और अस्कार्पिक एसिड है जिसको हम विटामिन सी कहते हैं। इन केमिकल्स की एप्लीकेशन से आपके मसूड़ों के ऊपर हम कुछ रिएक्शन करते हैं केमिकल आपके मसूड़े के ऊपर, और जिसके नतीजे में जो हमारे मसूड़ों का कलर है वो नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि कलर जो है मसूड़ों का वो काला होता क्यों है, या ब्राउन कलर क्यों होता है, या डार्क कलर क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। ये नॉर्मली हमारी स्किन में, हमारे गम्स में, और हमारे हर सुपरफिशियल जितनी भी स्किन है हमारे जिस्म की, इसके अंदर पैदा किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। और इस जो पिगमेंट है ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, या जो हमारी सन के जो अंदर से कोई ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे लिए डैमेजिंग हो सकती हैं, ये उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये एक समझे प्रोटेक्टिव पिगमेंट है मेलानिन, जो कि हमें हमें नेचुरली अल्लाह ताला हमारे प्रोड्यूस करता है, और वो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है, और हमें कैंसर से बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है ये मेलानिन पिगमेंट। और इसलिए अगर आप देखें कि जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं वो ज्यादा काले हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेचुरली डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होती है, और ज्यादा वो जो है वो काले नजर आते हैं आपको, ब्लैकिश नजर आते हैं। और अगर अफ्रीकन देखें धूप में ज्यादा चलने वाले लोग, तो वो उनके तो डीएनए के अंदर ब्लैक कलर आ गया, क्योंकि उनको उसी लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए जिस लेवल के एरिया में वो रहते हैं। तो इसलिए इसका पहले ये बात समझना जरूरी है कि क्यों हम हमारा कलर ब्लैक होता है या वाइट होता है। अब अगर हम ऐसे एरियाज में जाएं जहां धूप ज्यादा नहीं है, जहां सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, तो वहां पे इस पिगमेंट की जरूरत ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो लोग वाइट रहते हैं। तो ये बेसिकली मेलानिन जो है वो करता है। अब ये हमारे स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं, खुलियात होते हैं, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। वो सेल्स ये पिगमेंट जो है वो बनाते हैं, जिनको फिर हम मेलानिन कहते हैं। अब हमारी जो गम्स के अंदर नेचुरल कलर है वो पिंक होता है, हमारे गम्स का कलर, जो कि थोड़ा बहुत रेंज कर सकता है शेड में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डार्क हो जाए तो वो अनएस्थेटिक फील होता है। और यहाँ पे जो वजह है वो तकरीबन वही है सन एक्सपोजर की, जिस तरह से वजह है कि अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाए, या आपके जो जीन्स में डीएनए के अंदर ऐसा गाइड हो उस सेल्स को, आपके डीएनए को, कि वो ज्यादा पिगमेंट बनाए, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो गम्स का कलर है वो डार्क हो, या फिर कुछ स्पॉट्स हो जो डार्क हो। अब ये सारा कुछ आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड ओरिएंटेशन आ गई कि गम्स हमारे डार्क हो क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम इसी चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, और हम अब आपके जो गम्स हैं उनको नॉर्मल करेंगे। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि गम्स ब्लैक डार्क होते क्यों हैं। अब आगे आते हैं कि इसके तरीकेकार क्यों हैं। अब तरीकेकार जितने भी हैं, जितने भी मेथड्स हैं जिसके जरिए हम इसको ठीक कर सकते हैं, उन मेथड्स का एक जो प्रिंसिपल है वो सिंपल है, और वो एक है, वो ये है कि
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये होता कहाँ है स्किन के अंदर या गम्स के अंदर। ये हमारी जो स्किन है उसकी जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है, जिसको अगर हम गम्स की बात करें तो जिसको हम सुपरफिशियल एपिथीलियम कहते हैं, उस एपिथीलियम की भी जो सुपरफिशियल लेयर है उसी के अंदर ये मेलानिन पिगमेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है, क्योंकि इसने ऊपर से आने वाली रेज से हमें बचाना होता है। तो बाकी सारी लेयर्स के ऊपर ये मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, तो ये सबसे सुपरफिशियल होता है, ये बात समझने की जरूरत है। और जितने भी अब मेथड्स हैं जिनसे हम ये रिमूव करते हैं, उन मेथड्स का गोल एक ही होता है कि उस जो सुपरफिशियल जो हमारी गम्स की लेयर है उसको किसी तरीके से रिमूव कर दिया जाए। ये हमारा गोल होता है किसी भी मेथड का। अब हम आगे मेथड्स को डिस्कस करते हैं डिटेल से, लेकिन मेथड ये का जो गोल है वो मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने जो सुपरफिशियल जो लेयर है हमारी एपिथीलियम की उसको रिमूव करना है, ताकि जो नीचे से लेयर आए वो बिल्कुल हेल्दी हो, उसके अंदर मेलानिन ज्यादा ना हो, और फिर जब हीलिंग हो तो वो नॉर्मल कलर की हो जाए। जब हम पेशेंट को वो रिमूव कर देंगे तो फिर जो फिर से हीलिंग होगी वो नॉर्मल कलर की होगी। इस हम जो है वो प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम आगे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कोई मेथड है जिसको हम केमिकल मेथड कहते हैं। उसमें यह है कि डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनकी एप्लीकेशन से, टॉपिकल एप्लीकेशन से हम जो है वो कलर को डीप पिगमेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला अल्कोहल है, फिनोल है, या इनका कॉम्बिनेशन है। अब इससे ये होता है कि ये केमिकल्स हम अप्लाई करते हैं हमारे गम्स के ऊपर, और ये केमिकल एसिडिक या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में उस जो पिगमेंट है उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, और जिसके नतीजे में हमारे जो गम्स हैं वो नॉर्मल कलर के हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा एक और केमिकल यूज किया जाता है जिसको हम अस्कार्पिक एसिड कहते हैं, और ये बेसिकली हमारा विटामिन सी है। और इसका क्या करता है, ये अस्कॉर्पिक एसिड क्या करता है, ये उस केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है जिसके नतीजे में मेलानिन बनता है। तो बेसिकली ये डिले करता है उसकी जो प्रोडक्शन है मेलानिन की, स्लो डाउन करता है, और जो उसका जो कलर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अब यहां तक आ गए, हमने केमिकल्स अप्लाई किए। अब इन केमिकल्स के कुछ नुकसान हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर हम अल्कोहल या फिनोल यूज करते हैं तो इसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, कार्डियक रिदमियाज या कार्डियक प्रॉब्लम्स काज करते हैं ये केमिकल्स, तो इनको काफी लिमिट करना होता है यूज इनका करते हुए, तो फ्रिक्वेंटली हम यूज नहीं कर सकते, तो ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा जितने भी केमिकल्स हैं, अस्कॉर्पिक एसिड है, फिनोल है, अल्कोहल है, इनको अगर हम रेगुलर यूज करते रहें तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाती है उसकी जो कलर जो पिगमेंटेशन है, जो डार्क कलर है, लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं होती। और जैसे ही हम इसका यूज खत्म करते हैं तो फिर से वैसे ही कलर हमारा जैसे पहले से होता है, पिगमेंटेशन हुई हुई रीपिगमेंटेशन समझे हो जाती है, रिलैप्स हो जाता है। तो इसका इसलिए अब ज्यादातर परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ और सर्जिकल मेथड के साथ इसको यूज किया जाता है, लेकिन अकेले हम इन्हीं मेथड्स को, केमिकल मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमें कोई ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब हम आते हैं कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर्जिकल मेथड्स काफी सारे हैं। सबसे जो पहले हैं कुछ मेथड्स वो हैं थोड़े से कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो कि नॉर्मल इजीली हम कर सकते हैं, और वो मेथड में सबसे पहले आता है कि एपिथीलियल एब्रियन, सुपरफिशियल जो है वो एब्रियन। उसमें क्या करते हैं हम कि आपने अगर नोट नहीं किया तो हम जो डेंटल जो ड्रिल करते हैं, जब हम दांत की जो कैविटी को ड्रिल करते हैं तो हम एक बर को यूज करते हैं, वो खास किस्म की बर होती है जो कि उसको यूज करते हैं। तो उस बर के थोड़ा सा साइज को या उससे मिलती जुलती एक बर होती है, उसको स्लो स्पीड हैंड पीस में उसकी जो स्पीड है रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स की, वो स्लो डाउन करके हम उसकी हेल्प से गम्स के ऊपर सुपरफिशियली वो बर चलाते हैं। उस बर की वजह से जो सुपरफिशियल लेयर है वो एब्रेड कर जाती है, वो रिमूव हो जाती है, और जिसके नतीजे में जब वो नई लेयर आती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है और हमारा जो कलर है वो फ्रेश हो जाता है। अब इसमें कुछ नुकसान हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ये हैं कि एक तो इसमें काफ़ी टेक्निक सेंसिटिव है, मतलब एक चीज़ जो है वो रिवॉल्व कर रही है और उसको बड़ा ग्रिप और कंट्रोल्ड फोर्स के साथ आपने यूज़ करना है, और आपके हैंड कि जो ग्रिप है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना वरना क्या होगा कि आप हो सकता है कि पूरी की पूरी जो गम टिश्यू है उसको रिमूव कर दें, आप काफी ज्यादा किसी जगह पे कर दें, कोई जगह छोड़ सकते हैं आप,
इसके अलावा ब्लीडिंग का, पेन का इशू होता है आफ्टर सर्जरी, और इसके अलावा हमें एक ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। तो ये थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं इस डेंटल एब्रियन के। और इसके अलावा इसमें रिलैप्स बहुत देखा गया है, क्योंकि जब हम एब्रियन करते हैं तो स्मूथ हम नहीं कर पाते, कहीं पे कुछ, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, तो जिसके नतीजे में कुछ सेल्स रह जाते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूसिंग होते हैं, वो फिर से ब्लैक टिंट क्रिएट कर देते हैं हमारे गम्स का। तो इसलिए ये अब ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको कहते हैं स्प्लिट थिकनेस एपिथेलियल एक्सियन। इसमें यह है कि हम जो है हम जो जंजाइवल या एपिथेलियल स्ट्रिपिंग करते हैं, हम स्कैल्पल लेते हैं, मतलब के ब्लेड लेते हैं सर्जिकल, जिसकी हेल्प से हम जो सुपरफिशियल लेयर है वो बड़े फाइन तरीके से रिमूव कर लेते हैं हम एपिथेलियम की, और उसके बाद जो अगली लेयर आती है नेक्स्ट रीग्रो करके, जब गम रीग्रो करता है तो लेयर बिल्कुल हेल्दी होती है। और ये तरीका काफी जो है वो बेहतर है, काफी प्रिडिक्टेबल है, और इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है जो पिछले तरीके में सर्जिकल मेथड में थी। इसके काफी जो है वो प्रोफिशिएंट रिजल्ट्स हैं। और इस मेथड के साथ हम जो है वीकली बेसिस पे आफ्टर सर्जरी हम अस्कॉर्पिक एसिड भी टॉपिकल अप्लाई करते हैं, ताकि अगर थोड़े बहुत सेल्स रह भी गए हैं तो वो भी अस्कॉर्पिक एसिड की हेल्प से वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, या उनके अंदर जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसको हम मिनिमाइज कर दें, तो जिसके नतीजे में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। इसके अलावा एक और तरीका जो कि कन्वेंशनल है वो ये है कि हम फ्री जेंजाइवल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फ्री जेंजाइवल ग्राफ्टिंग ये है कि जैसे हम मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की कि हम पैलेट से तालू जो है आपका वहां से कुछ ग्राफ्ट ले सकते हैं गम्स का, और वो यहाँ पे लगा सकते हैं एज ए न्यू गम टिश्यू, तो वो जब हील करेगा तो उसमें जो है वो पिगमेंटेशन नहीं होगी, लेकिन ये तब होगा जब आपका जो पैलेट है उसमें पिगमेंटेशन ना हो और यूजुअली नहीं होती। और इसके अलावा एक और आर्टिफिशियल कुछ मैट्रिक्स मिलते हैं, डर्मल मैट्रिक्स मिलते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। उसका फायदा यह है कि एक सेकेंड सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, तालू से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, तो हमें वो डैमेज जो है उससे हम बच जाएंगे, और सिर्फ एक्स्ट्रा जो आर्टिफिशियल हमें डर्मल मैट्रिक्स मिलेगा वो हम लगा देंगे ग्राफ्ट की शक्ल में। अब ये जो दो लास्ट मैंने मेथड डिस्कस किए हैं इनके रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाते हैं। जो आपका पैलेट से अगर हम ग्राफ्ट लेंगे तो जो सेकेंड सर्जरी हमें खामखा करनी पड़ेगी, तो उसके नतीजे में पेशेंट्स काफी डरते हैं। दूसरा ये कि अगर अब आर्टिफिशियल लेते हैं तो उसमें यह है कि थोड़ा वो कॉस्टली ज्यादा पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स जो न्यूअर मेथड्स हैं वो है इलेक्ट्रो सर्जरी। इलेक्ट्रो सर्जिकल जो थेरेपी है उसमें यह है कि हम हीट की मदद से, एक पिन होती है, हीट जनरेशन की वजह से जो सुपरफिशियल जो लेयर है उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है, हीट की प्रोडक्शन की वजह से बर्न कर देती है। तो इसका फायदा यह है कि ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती, लेकिन नुकसान यह है कि हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसके नतीजे में अनवांटेड एरिया को भी हम बर्न कर सकते हैं जिसको हम नहीं चाहते कि बर्न करे। हम जो है वो पूरे के पूरा गम टिश्यू बर्न हो सकता है प्रेशर से, या हीट जनरेशन के जो बर्निंग जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, डेप्थ में जा सकती है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको लेजर कहते हैं। तो लेजर, डायोड लेजर की हेल्प से भी हम जो है वो आपकी डीपिगमेंटेशन कर सकते हैं, वो जो मेलानिन है उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है, इसमें साइड इफेक्ट्स कम से कम है और इजीली परफॉर्म्ड है, और इसका फायदा ये है कि इस तरीके में रिलैप्स है या जो फिर से ग्रो करने का चांस है वो बहुत ही रेयर होता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी क्या होता है बेसिकली, ये एक इंटरेस्टिंग तरीका इलाज है। इसमें ये करते हैं कि हम इतनी ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाते हैं गम टिश्यू को कि सुपरफिशियल जो लेयर है उसकी डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी, हमारी एपिथीलियम की। और ये कैसे करते हैं हम, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको, कुछ लिक्विड्स हैं जिनको हम क्रायोजेंस कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिक्विड नाइट्रोजन है। इसको हम जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये सेलुलर डेथ करा देता है, जिसको हम क्रायो सर्जरी कहते हैं, और इसको समझ लें कि फ्रीज करके किसी चीज को डिस्ट्रक्ट कर देना, तो इसके हेल्प से भी हम जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके भी मतलब है कि बहुत इनएक्सपेंसिव है और इजीली परफॉर्म्ड है। इसमें आपको पेन भी नहीं होता, इसमें आपकी ब्लीडिंग का चांस भी नहीं होता, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, इसमें रिलैप्स भी नहीं होता। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि जो हमारा जो टेम्परेचर हम जो बहुत ज्यादा कम करते हैं उसकी जो पेनिट्रेशन है लो टेम्परेचर की वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि इंसान तो अलाइव होता है, उसका तो टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, तो इस वजह से जो इसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो बहुत कम होती है, तो जिसके नतीजे में फिर से रिलैप्स होने के चांसेस थोड़े बहुत रह जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ डिस्कस करते हैं।
रेडियो सर्जरी, रेडियो सर्जरी ये है कि हम कुछ फ्रीक्वेंसी को रेडियो इलेक्ट्रिकली कुछ फ्रीक्वेंसीज को बनाते हैं और उनकी मदद से हम हेल्प से जो है हम आपके गम्स की थेरेपी करते हैं, और जिसके नतीजे में वही असूल वही है कि डिस्ट्रक्शन होती है आपके सुपरफिशियल लेयर की, जिसमें मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, जिसमें पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, और जिसके नतीजे में जो है हमारा वो पिगमेंट खत्म होने की वजह से कलर नॉर्मल हो जाता है। और इसके अलावा जो फ्यूचर एडवांसमेंट है वो है प्लाज्मा थेरेपी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें यह है कि प्लाज्मा आपको पता होगा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें यह है कि ना तो वो कोई चीज लिक्विड होती है ना सॉलिड होती है, बल्कि आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, और ट्रांजिशन स्टेज भी से कहते हैं किसी भी मैटर की, और इसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इसका फायदा यह है कि कोई प्लाज्मा को जब हम अप्लाई करते हैं गम्स के ऊपर तो वो फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है। ओजोन थेरेपी भी तकरीबन यही चीज है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की अमाउंट को ज्यादा कर देते हैं आपके ब्लड के अंदर या आपके किसी भी जगह पे जहां पे आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये भी इसी तरह से कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं सुपरफिशियल लेयर को, और आपकी जो फिर से रीग्रो करता है गम टिश्यू वो बिल्कुल ठीक होता है। तो अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं या आपको एस्थेटिकली कंप्रोमाइज आपके गम्स हैं, तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू अपने गम्स को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।